गाइज आप देख सकते हैं बिल्लू आ चुका है मेरे पास सुबह का, इसको कॉल किया था अभी पहुंच रहा है। तो बुलाया मैंने है तेरे को, तू आना था। बुलाया नहीं है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग बताओ। चलो सुना और सुना। किया है वो कॉल, मत कर। ठीक है भाई, ठीक है, तूने किया है, मैं हारा तू जीता। झूठ बोल रहे हो आप? फिर झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किया है मटगाड़ के लिए आपको फोन, मटगाड़ चाहिए था बुलेट का। उससे पहले किसने किया था? आपने नहीं किया है। चल भाई इसमें कौन जाने भाई, देख लो कौन ईमानदारी करता है भाई। ये देख लो बिल्लू और मैं, हम दोनों में से देखो ईमानदार कौन है। नहीं यार, दोनों ईमानदार है यार, बिल्लू भी ईमानदार, मैं भी ईमानदार। और भाई ब्लॉग हो रहा है भाई शाम के टाइम, तो ये देखो भाई हमारा बुलेट जब से लिया है ना, 3-4 महीने हो गए इसको लिए हुए। इसको चलाया भाई मैंने 70-80 किलोमीटर चलाया टोटल, उसके बाद भाई खड़ा ही है। वैसे शौक शौक से तो ले लिया था, लेकिन भाई अब शौक के चक्कर में भाई चलाया नहीं जा, क्या चलाना, बुलेट चलाऊं स्कूटी चलाऊं। ये वाली बाइक देखो, ये बिल्लू चला रहा है मेरी बाइक, मैं गाड़ी चलाता हूँ या तो काम पे जाता हूँ स्कूटी लेके जाता हूँ। ये तो भाई खड़ा है उस स्टैंड, और इसकी बैटरी भी खराब हो गई है देखना। ये देखो ये ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑन किया मैंने देखो ना हॉर्न चल रहा है सर, तो कहाँ लगना है इसका। तो भाई इसको भी सही करेंगे हम, कोई सेकंड हैंड बैटरी देखते हैं, अच्छे से इसको चलाते नहीं है सेकंड हैंड तक, मतलब जब भी इमरजेंसी में चलाना हो तो सेकंड हैंड बैटरी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा चालू कर देते हैं। जब भाई इसकी इच्छा होती है चलाने की तब स्टार्ट होता है, मन नहीं करता यार, थोड़ा सा इसको ना स्टार्ट कर देते हैं बैटरी डाल के ना, चमका के रखा है ऐसा नहीं, पूरे कंडीशन में रखा हुआ है मैंने बुलेट पूरा अपना। और ये तो बिल्लू के पास ही रहती है, बिल्लू चला 15 साल होने वाले हैं इसको, 4 साल बाद 4 साल है अभी, 9 साल में देखो कितनी चली गई है मेरी, जेन्युइन चली हुई है। अब 24 है मान लो, 1000 एक्स्ट्रा मान के चलो, 25 मान के चलो यार, चलो आप बोलेंगे बीच में मीटर खड़ा होगा, चलो 1000 और मान, तो मतलब ये है। ये आज चेंज किया मैंने स्कूटी का, टायर की हालत देखो भाई, बंदे कैसे कैसे टायर चलाते हैं, देखो धागे निकल गए, धागे के बीच से फट भी गया ऐसे देखो यहाँ, तब जाके भाई बंदे ने चेंज करवाया। ऐसे भी भाई हमसे तो ऐसा टायर चलाया नहीं जाएगा कभी। तो अभी मेरे पास बैटरी नहीं है ना, तो मैं अपनी स्कूटी की बैटरी निकाल दूंगा इसकी ना, फिलहाल इसको ये किक से भी चल पड़ती है, तो मुझे नहीं जरूरत इसकी सेल्फ की, तो इसकी बैटरी निकाल के मैं बुलेट में डालूंगा, क्योंकि ये तो बिना बैटरी के चलता नहीं है। ये बैटरी होती है हमारी यहाँ पर, इसको निकालना है, ये देखो ये रही इसकी बैटरी, ये भाई यहाँ पे। तो बैटरी मैंने लगा दी, देखो ये हमारा बुलेट ऑन हो गया, अब सही है। अब ये बैटरी इसके अंदर रखेंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन भाई बैटरी लूज हो गई, देखो इसमें डलती है बड़े वाली बैटरी, ये लूज है, इसको मुझे पैकिंग देनी पड़ेगी यहाँ पे। अब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए भाई इसके अंदर पेट्रोल भी जरूरी है, पेट्रोल भी खत्म है भाई इसका, पेट्रोल भी डालते हैं इसके अंदर। मैं निकालता हूँ स्कूटी से, इसमें मैंने फुल करवाया था पूरा, हाँ इसके अंदर है वो बाहर ही आ गया है, 2 लीटर काफी है इसमें ना, बाकी मैं भरवा लूंगा इसके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको, सेल्फ का पता नहीं सेल्फ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, नहीं भाई किक से करते हैं स्टार्ट। तेल की सप्लाई क्या बोलती है, तेल की सप्लाई, हो यार इसके अंदर तो पानी भी मिक्स है यार, देखना मैं दिखाऊं आपको भाई, देखो पानी भी है इसके अंदर, ये देख रहे हैं बूंद आप पानी की, अरे यार ये पंगा हो गया, मैंने साफ तेल डाला इसके अंदर, इसको मिक्स पानी है। अब इस पानी को निकालो बाहर, ये पाइप लगा दी मैंने यहाँ पे, अब निकालते हैं पानी इसका। अब पता होता ना तो मैं ये डालता नहीं पहले तेल इसके अंदर, ये देखो कैसा कलर, देखो उसका देखना कितना। अब करते हैं स्टार्ट इसको, मुझे लगता है इसके अंदर जो पानी था ना टंकी के अंदर, इसके हेड में चला गया है, प्लग में पानी चला गया होगा ना, तब दवाई जो मर्जी कर लो नहीं स्टार्ट होगा। पहले इसका करंट कर लेता हूँ, चेक आ रहा है करंट, पानी गया प्लग में। क्योंकि ना मैंने इसको बहुत सारी किक्के मारी हैं, किक मार के जो इसके अंदर जो पानी चला गया अंदर प्लग में, मैं खोल दिया मैंने, देखना अब ये देखो ये देखो, ये देखो भाई गिल्ला हुआ ना, देखो दिख रहा है ना गिल्ला ये अंदर से, ठीक है ना, गिल्ला रहेगा तो भाई स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको मैं साफ करता हूँ। तो अपने पास है यहाँ पे एक प्लग साफ करने वाली मशीन, ये वाली, इसके अंदर करता हूँ मैं प्लग साफ, देखना कैसे होता है। ये देखो ऐसे लगाना पड़ता है प्लग इसके अंदर, ये मैंने प्लग लगा दिया इसके अंदर, यहाँ से भाई हवा छोड़ेंगे, हाँ
इस साइड को क्या है ना, इस साइड को जो एमरी एमरी होती है ना, यहाँ पे सैंड रेत, इस साइड को रेत चलती है, बीच में ऑफ, और इस साइड को एयर। ये देखो ये हो गया साफ, देखना कितना साफ हो गया होगा। ये देखो हो गया भाई साहब बिल्कुल बढ़िया। अब लगाते देखना, अब स्टार्ट हो जाएगा बुलेट मेरा। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। ये लो भाई हो गया। तो इसके अंदर ना पानी आया हुआ था प्लग में, उसको जैसे साफ किया ना स्टार्ट हो गया, बढ़िया हो गया। अब इसको चलाएंगे भाई, डेली चला लिया करेंगे। अभी दोस्तों हम आए थे चंद्रुई पुल पे, और ये देखो नज़ारा यहाँ कितना शानदार व्यू है। देखो ऊपर देखो क्या मस्त लग रहा है ना। और यहाँ पे हम रील बना रहे थे और रिशु भी साथ में है, रिशु ने कुछ रीलें क्रिएट करी है भाई इसके ऊपर, और बढ़िया हो गया भाई। इसके ना आगे वाले बैरिंग में मैंने नए डाल दिए, ये भी आवाज़ कर रहे थे, खड्डे पे जा रहा था ना जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, सही कर दिया मैंने इसको। बढ़िया यार, मज़ेदार है, कम्फर्टेबल बुलेट, बढ़िया। और सेल्फ भी चल रहा है, छोटी बैटरी है लेकिन उठा दे रहा है, न्यूट्रल नहीं है ना, न्यूट्रल करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा लोड ले रहा है लेकिन हो जा रहा है स्टार्ट, सही हो गया अब तो चलने के लिए, बढ़िया। The next morning. Hello guys, good morning and welcome back to the channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी भाई मैं आया था कहीं, तो देखो भाई कितना मस्त घर बनाया यार, अपने भी ख्वाहिश है कुछ इस तरह से घर बनाए। जहाँ पे मैं हूँ ये वॉशरूम है भाई, देख लो ये, देखो भाई कितना मस्त बनाया, कलर देखो भाई। हम बहुत सारे देखते हैं ना, बहुत डिजाइन वाले जो टाइले वगैरह लगवा लेते हैं, लेकिन सिंपल सबसे अच्छा लगता है। देखो कितनी प्यारी, मतलब आंखों में ये कलर जो है ना, आंखों में नहीं लगता, बड़ा मस्त लगता है। देखो व्हाइट कलर का कितना बड़ा है ना, एक रूम के बराबर भाई, बहुत अच्छा है। मैंने अपना तू भी दिख गया, ये भी रिशु भी हमारे साथ आया होता तो यहाँ पे देख रहे थे भाई। ये मिरर मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, ये वैनिटी लगाई हुई है नीचे, मिरर का भी आपको इफेक्ट बता रहे, देखना ये टच करेंगे इसको भाई, इसके अंदर जलती है लाइट मस्त वाली, कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऊपर से भी आ रही है लाइट। और ये बाकी आप ये जानते हैं ये क्या चीजें, ये क्या दिखानी मेरे को, लेकिन मेरे को ये बहुत मस्त लगी। चलते हैं आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो निकलते हैं थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं आज क्या करने वाले हैं, कोई पता नहीं है, फिर भी जो भी करेंगे आप बने रहे वीडियो के अंदर। तो अभी चलते हैं बाहर। ये होती है भाई सीलिंग, कितनी मस्त लग रही है, लाइटिंग भी है देखो, फैन कितना मस्त है, चार पर बार ये गेस्ट रूम है भाई। चलो 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 आ जाओ जल्दी करो, कर दो बंद कर दो। खड़ी हुई भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे, एक चीज दिखाते हैं आपको, आजकल मैंने अपनी गाड़ी को कुछ चेंज ही करी है, आपको दिख रहा है क्या हुआ है इसके अंदर, गौर से देखिए और बताइए मेरे को क्या आपको लग रहा है, क्या मैंने इस गाड़ी के अंदर चेंज करा हुआ है। इस साइड से भी दिखा दिया मैंने आपको, ज्यादा कुछ नहीं हल्का फुल्का है, लेकिन आप नोट करिए क्या चीज है भाई। देखो ये देखो, वैसे तो भाई वहां से हम एकदम से घर पे पहुंच गए, पर कुछ सीन ऐसे रहते हैं भाई लाइफ में कि पता ही नहीं लगता करना क्या होता है। अब पहुंच गए घर पे तो एक चीज तो आपको बता ही नहीं भाई, ये चीज हो देखो भाई, मेरा ग्लास ब्लैक कलर का हो गया, इतना ब्लैक भी नहीं है, गाड़ी का स्टीयरिंग वगैरह दिख रहा है ना, डैशबोर्ड वगैरह इतना नहीं है, लेकिन ब्लैक है आप देख रहे हैं। बस मैंने इन्हें एस्पेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने गाड़ी के शीशे जो ना टेंटेड करे हुए थे, ये थे ग्रीन कलर के, हल्का सा ग्रीन टेप होती है ना, वो मैंने किया था, हल्के ग्रीन कलर के टेंट करे हुए हैं, 75 जो विजिबल रहते हैं, ये वाले थे दोनों में लिखा, जो इसकी पैकिंग थी उसके ऊपर लिखा हुआ था, मतलब 75 ब्लैक और ये ग्रीन दोनों ही मतलब विजिबल है सामने, वो मतलब शीशे के परे वाली साइड भाई गाड़ी खड़ी हुई है वो भी दिख रही है। और यहाँ पे मैंने जो यूट्यूब का नेम लिखा था वो हटा दिया है टाइम के हिसाब से भाई, अब मेरे को थोड़ा सा और लग रहा था इसीलिए भाई चेंज कर दिया, ये लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या, अब बताओ यार यहाँ पे ठीक लग रहा है क्या? मेरा कुछ नहीं है भाई, मैं चेंज कर दूंगा, हमारे पास प्लॉटर पड़ा हुआ है, हम इस प्लॉटर में लिख के दोबारा से इसको चेंज कर देंगे। वैसे मैं सोच रहा था यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा, ये ना बड़ा लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा ना, उतना बड़ा भी नहीं है, पहले वाला तो बड़ा, उससे छोटा, तो यहाँ पे छोटा सा करके लिख देंगे। ये देखो बताना आप मेरे को ठीक है, बाकी ये लुक चेंज होंगे उतने ज्यादा नहीं यार, आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैंने लगाए बम्पर वगैरह चेंज कर दिए होंगे, लाइटिंग कुछ नहीं किया, वैसे हल्की सी ये की चेंजिंग इसके अंदर। तो ये है कुछ चेंजिंग हमारी गाड़ी के अंदर। भाई बिल्लू क्या बात है, आज बड़ी खुश दिख रहा है, और हाथ में क्या लिया तूने? ये मिठाई का डब्बा। क्यों? इसलिए ट्रैक्टर ले लिया। चलो भाई ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये देखो भाई खा लो मिठाई, आप भी, हम भी खाते हैं, पर एक मिनट रुक जाता हूँ, मेरे हाथ ना गंदे हैं, मैं हाथ साफ करके आता हूँ फिर खाते। बढ़िया बात है, ये लो भाई, आप भी, आपकी किस्मत में था भाई ये, खाओ। बढ़िया ट्रैक्टर लिया, मुबारक दे दो उसको, कांग्रेचुलेशन दे दो, उसी की मिठाई है भाई, बिल्लू को कांग्रेचुलेशन कर दो भाई, एक ट्रैक्टर और लेके आ गया। कौन सा ट्रैक्टर लिया बताया नहीं तूने? सोनालिका DI 35। क्या आंख में क्या होते थे? आंख में लग गई लाल होगी, रेत चला गया।
चलिए दोस्तों, बिल्लू के आंख में चला गया कचरा, भाई इसको निकालते हैं, दवाई दबुई लेके आते हैं। और वीडियो कैसा लगा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।